अगर आप ब्राउजिंग करते वक्त पैसे कमाना चाहते हैं तो ब्रेव ब्राउजर आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ब्रेव ब्राउजर में आपको विज्ञापन देखकर पैसा कमाने का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर ब्रेव एड्स के ऑप्शन को ऑन करना है और हर घंटे दिखाए जाने वाले एड्स की संख्या सेलेक्ट करनी है। आपको बताना चाहूंगा कि यह ऑप्शन बहुत पहले शुरू किया गया है और फिलहाल आप एक घंटे में अधिकतम 10 एड्स ही देख सकते हैं। इस तरह आप इंटरनेट सर्फिंग के साथ साथ एड्स देखकर पैसे भी कमा सकते हैं। यह वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्राउजर है जिसमें आपको ब्राउजिंग के बदले पैसे मिलते हैं। अब तक आपने गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर और ओपेरा मिनी जैसे ब्राउजर्स इस्तेमाल किए होंगे और आपको पता होगा कि इन ब्राउजर्स में बैड जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ब्रेव ब्राउजर इस मामले में अलग है। ब्रेव ब्राउजर में आपको इंटरनेट सर्फिंग करने के बदले बैड बेसिक अटेंशन टोकन मिलते हैं। इन टोकन्स को आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टोकन्स को अपने पसंदीदा क्रिएटर को भी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि एड ब्लॉकर की वजह से क्रिएटर्स को काफी नुकसान होता है और वे अपनी वेबसाइट से उतना नहीं कमा पाते जितना वे नॉर्मली कमाते हैं। ऐसे में क्रिएटर्स को नुकसान उठाना पड़ता है और उनका मनोबल गिरता है। आप ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट या ब्लॉग आपको पसंद है और उसे आप एड ब्लॉकर को सक्षम करके विजिट करते हैं, उसको आप बैड्स गिफ्ट करके सपोर्ट सकते हैं। ऑलवेज सपोर्ट गुड क्रिएटर्स। जैसा कि मैंने बताया, एड ब्लॉकर की वजह से क्रिएटर्स को काफी नुकसान होता है और ब्रेव ब्राउजर के डेवलपर्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने क्रिएटर्स के लिए ब्रेव रिवॉर्ड्स का ऑप्शन दिया है। अगर आप एक क्रिएटर हैं और आपका कोई ब्लॉग या वेबसाइट है तो आपके विजिटर्स इस ऑप्शन के जरिए आपको बैड बेसिक अटेंशन टोकन गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट किए गए टोकन्स प्राप्त करने के लिए आपको ब्रेव का वेरीफाइड पब्लिशर बनना जरूरी है। साथ ही टोकन्स को रखने और मैनेज करने के लिए अपहोल्ड डिजिटल वॉलेट पर अकाउंट बनाकर उसे ब्रेव पब्लिशर्स अकाउंट से कनेक्ट करना जरूरी है, तभी आप विजिटर्स द्वारा गिफ्ट किए गए टोकन्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपनी से प्राप्त टोकन्स को भी इसी अकाउंट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर जो भी विज्ञापन देखते हैं उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता, सारा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग कंपनियों के खाते में चला जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि रेवेन्यू का एक हिस्सा एड्स विज्ञापन देखने वाले यूजर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि सारा रेवेन्यू उन्हीं की वजह से जेनरेट होता है। लेकिन मौजूदा एडवर्टाइजिंग सिस्टम में यूजर्स के लिए रेवेन्यू शेयरिंग जैसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि विज्ञापन देखकर रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं और मौज उड़ाती हैं एडवर्टाइजिंग कंपनियां। सालों से यही सिस्टम चला आ रहा है जो अब बेकार हो चुका है। अब जरूरत है एक नए एडवर्टाइजिंग सिस्टम की जिसमें विज्ञापन देखने वाले यूजर्स को भी रेवेन्यू का एक निश्चित हिस्सा मिले, और ब्रेव ब्राउजर ने इस बात को समझा है। दरअसल ब्रेव ब्राउजर एक ऐसा एडवर्टाइजिंग सिस्टम लेकर आया है जो पूरी तरह यूजर्स के हित में है। इसमें एडवर्टाइजिंग से होने वाली कुल कमाई का 70% हिस्सा यूजर्स को मिलेगा, जबकि 30% हिस्सा ब्रेव ब्राउजर के डेवलपर्स के खाते में जाएगा, यानी कि यूजर्स का हिस्सा कंपनी से ज्यादा है। ब्रेव ब्राउजर के डेवलपर्स का मानना है कि विज्ञापन से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन देखने वाले यूजर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी को कमाकर देने वाले यूजर्स ही हैं। ऐसे में यूजर्स को उनका हक मिलना जरूरी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी गूगल अपने लाभ का 100% हिस्सा खुद रखती है, अपने यूजर्स को कुछ नहीं देती। ऐसे में गूगल को ब्रेव से सीख लेनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। दोस्तों यह चैनल भी एक पब्लिशर अकाउंट है, आप लोग चाहो तो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो।